हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे। मैं मंतोष आज आपको बताऊंगा मॉड्यूलर बोर्ड में कनेक्शन कैसे करते हैं, वो भी दो नए तरीकों से। हाँ, आपने सही सुना, दो नए तरीके। वायरिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यह है दोस्तों हमारी 12 मॉडल की सीट जो हमने तैयार कर ली है, और ये 8 मॉडल की सीट है दोस्तों। सीट के ऊपर एक कवर भी होता है जिसको हमने निकाल के भी रख दिया है। पहले हम सीट तैयार करेंगे, बाद में इसमें कनेक्शन करेंगे। दोस्तों स्विच भी उल्टा और सीधा होता है, देखो इस पर लिखा हुआ है ऑन ऑफ। इसको सही लगाना है, अगर आपने गलत लगा दी तो उल्टा वर्क करेगा। यह है रेगुलेटर, ये स्विच हैं सारे 10 एम्पेयर के हैं स्विच, सॉकेट भी 10 एम्पेयर का है। देखो काम करने का तरीका ये होता है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम सब स्विच सॉकेट अलग अलग बॉक्सों में रख लेते हैं कि बाद में हमको स्विच सॉकेट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी हमारी सीट तैयार हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। यह है काम करने का अच्छा तरीका। दोस्तों हमारी सीटें तैयार हो गई हैं, अब इनमें कनेक्शन रह गया है। अब हम कनेक्शन करेंगे, वो भी दोस्तों दो तरीके से। ये 8 मॉडल की सीट है, एक रेगुलेटर है, इंडिकेटर है, एक सॉकेट है, बाकी स्विच है। और ये है 6 मॉडल की सीट दोस्तों, ये पावर की सीट है। इसमें दो सॉकेट हैं और दो स्विच हैं, वो भी 20 एम्पेयर के, 20 एम्पेयर का स्विच है दोस्तों। एक्सटेंशन बोर्ड भी ऐसा ही होता है, उसमें भी दो स्विच दो सॉकेट होते हैं। और इसमें हम देखो दोस्तों एक तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये तरीका मालूम हो कैसे वायरिंग करनी है। और इसमें वायर का यूज़ 2.5 mm का करना है, जो गेज 2.5 mm होना चाहिए इसका। कुछ दोस्तों नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं क्या करते हैं, 1 mm 1.5 mm जो दिल किया वो डाल देते हैं, मगर बाद में क्या होता है जब हम इसमें पावर का लोड डालते हैं तो हमारा स्विच बोर्ड जल जाता है। मगर आपने ऐसा नहीं करना है, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा दोस्तों। ये हम हाफ लगा रहे हैं सॉकेट की, और सॉकेट में भी L और N लिखा होता है, L से लाइन होती है और N से न्यूट्रल होता है। और हाफ हमेशा L में ही लगती है, N में भी लगा सकते हैं, मगर काम करने का जो तरीका है वो यही है, L में ही लगाना। वैसे ही दूसरी तरफ भी हम लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से टाइट करना है, बाद में लूजिंग ना रह जाए। अब दोस्तों हम न्यूट्रल में लगा रहे हैं, ये भी 2.5 mm मोटी वायर है, गेज है इसका 2.5 mm। दोस्तों कलर पे मत जाना, कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ गेज पे जाना आप। गेज से ही होना चाहिए दोस्तों। और पावर की सीट में हमेशा 2.5 mm की वायर का ही यूज़ करना चाहिए, आपको ये कोई भी नहीं बताता कितने एमएम की वायर यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे हम न्यूट्रल लगाएंगे, जो मेन न्यूट्रल है। तो अगर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अर्थिंग है तो अर्थिंग का पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए होता है। और ये सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में ही लगता है, उसमें अर्थिंग का निशान बना हुआ होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। और मैंने एक अर्थिंग पे भी दोस्तों वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखना, नए तरीके से अर्थिंग कैसे करते हैं आधे घंटे में। और ये देखो ये येलो, यहाँ पे हमारा फेस आएगा और येलो वायर में हमारा न्यूट्रल आएगा, और ये ब्लैक वायर जो है हाफ है, और यहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट लगेगा मेन अर्थिंग का। और ये पावर की, ये देखो स्विच पे भी निशान बना हुआ है रेड कलर का देखो, और ये पावर की सीट है दोस्तों। और यह है दोस्तों हमारी 12 मॉडल की सीट। अब मैं इसमें दूसरे तरीके से कनेक्शन करूँगा, आप भी देखो इस तरीके को दोस्तों। आप ये मत समझना कि मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, ये कोई डेमो नहीं है। इसमें हम कनेक्शन करके इसको वॉल पे लगाएंगे, जहाँ पे हमारा मेटल का बॉक्स है जिसमें हमने वायरिंग कर रखी है, नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैं डेमो दिखा रहा हूँ, डेमो नहीं है। अब देखो हम, मैंने 6 मॉडल की सीट में नीचे से किया था,
अब मैं इसमें ऊपर से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी तरीके से टाइट करना है, इसमें लूजिंग ना रहे, बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कभी स्विच वर्क करता है कभी नहीं करता है अगर लूजिंग रह गया तो। और दोस्तों इसमें वायरिंग का 1.5 mm गेज होना चाहिए वायर इसमें, आपको कोई नहीं बताता दोस्तों कितने mm की वायर का यूज़ करना है। मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी ही मेरी और भी वीडियो हैं जिसमें मैं कोई डेमो नहीं दिखाता। ये हमारी वायर लग चुकी है, अब हम इसको टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम सॉकेट की हाफ लगा रहे हैं और हाफ भी वहीं पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा L लिखा हुआ है, वहीं पे लगाना है। N में भी लगा सकते हैं मगर जो काम करने का तरीका सही है वो L में ही लगाना। दोस्तों ये है रेगुलेटर की वायर, अब हम इसको स्विच से जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे फिर रेगुलेटर में करंट जाएगा, उसके बाद सीरीज बन के हमारा फैन चलेगा। यहाँ पे हमारा हाफ लगेगी फैन की, अब हमारी सीट तैयार है और इसमें हाफे लगनी बाकी हैं, मेन वायर लगनी बाकी है, तब लगेगी जब हमारी वॉल पे सीट लगेगी जहाँ पे हमारा मेटल बॉक्स लगा हुआ है जिसमें वायरिंग हो रखी है। देखो सामने से देखो आप, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करोगे तो इससे भी अच्छे अच्छे नए आइडिया मिलेंगे जिसपे मैं वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद।